राहुल गांधी को इस बार सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह से भगवान भोलेनाथ के भक्त छोड़ने वाले नहीं है। कांवड़िया ऐसा तांडव मचाएंगे, ऐसा तांडव मचाएंगे कि राहुल गांधी को यह पता चल जाएगा कि भगवान भोलेनाथ का अपमान करना, भगवान भोलेनाथ को के चित्र को सदन में दिखाना कितनी बड़ी उनके जीवन की भूल है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के चित्र को बार बार सदन में दिखाकर और फिर साधारण तरीके से मेज पर रखकर उन्हें अपमानित करने का काम किया है, इससे शिव भक्त जरूर नाराज होंगे, शिव भक्त जरूर गुस्से में होंगे। हालांकि राहुल गांधी की पूरी तरह से फितरत बन गई है, वो सनातन का अपमान करते हैं, वो हिंदुओं का अपमान करते हैं। जब भी मौका मिलता है तो राहुल गांधी किसी भी तरह से हिंदुओं के अपमान करने से बचने की कोशिश नहीं करते, जानबूझकर हिंदुओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने पहले ही सदन में बोला था कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू असत्य है, झूठा है, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का चित्र दिखाकर उन्होंने दोबारा सनातन को, हिंदू को और हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया। राहुल गांधी ने पूरी तरह से प्री प्लान कर लिया था, पूरी तरह से पहले से तैयारी की थी, और इसीलिए भगवान भोलेनाथ का चित्र लेकर आए थे और सदन में उन्होंने दिखाने का काम किया। वो बताने की तो कोशिश कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ बताते हैं डरो मत, किसी को डराओ मत, भगवान भोलेनाथ की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो चित्र को दिखाकर भगवान भोलेनाथ के और साधारण तरीके से मेज पर रख रहे थे, साधारण तरीके से राहुल गांधी बार बार पटल पर रख रहे थे, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी जानबूझकर भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए पूरी तैयारी में सदन में आए थे। राहुल गांधी भगवान भोलेनाथ का चित्र तो लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी में अगर हिम्मत होती किसी पंथ किसी मजहब के चित्र को लेकर आते, तब उन्हें पता चलता कि उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी भूल की है। लेकिन वो जान रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु है, वो जान रहे हैं कि सनातनी सहिष्णु है, और इसीलिए बड़े आराम से भगवान भोलेनाथ के चित्र को लेकर आए। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार उन्हें समझाया कि इस तरह का किसी भी देवी देवता का चित्र लाना या किसी भी धर्म के पंथ के मजहब के पैगंबर का चित्र लाना ये गलत है, ये कतई किसी भी तरह से नहीं दिखाना चाहिए, सदन के नियम के विरुद्ध है। लेकिन राहुल गांधी बार बार भगवान भोलेनाथ के चित्र को दिखा रहे थे। एक बार कैमरा हटाया गया तब भी राहुल गांधी ने कहा कि आखिर कैमरा क्यों हटा लिया गया, यानी पूरी नियत थी उनकी, पूरे तरह से वो तैयारी में थे कि भगवान भोलेनाथ का किस तरह से उन्हें अपमान करना है। जब वो लोकसभा अध्यक्ष की बात को नहीं मान रहे हैं, नियमों को नहीं मान रहे हैं, जो नियम दिखाया जा रहा है, तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति भी श्रद्धा भावना नहीं है। नहीं तो इस साधारण तरीके से भगवान भोलेनाथ के चित्र को राहुल गांधी कतई नहीं लाते। किसी भी देवी देवता का चित्र अगर आप लाते हैं तो उसे कहां पर रखना है, किस स्थान पर रखना है, किस सम्मान के साथ रखना है, ये पता होना चाहिए। राहुल गांधी को हो सकता है कि पता हो, लेकिन वो जानते हैं, वो जानबूझकर तैयारी करके आते हैं कि कैसे सनातन का, कैसे हिंदू का विरोध करना है और उनका अपमान करना है। अब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, करोड़ों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त निकलते हैं, हर जगह बम बम होता है, हर जगह भगवान भोलेनाथ के जयकारे निकलते हैं, पूरा देश एकदम भोले की भक्ति में रंग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़िए भोले वो राहुल गांधी से सवाल करेंगे कि आखिर मेरे अनुयायी का, मेरे इष्ट देव का, मेरे आराध्य देव का तुमने अपमान क्यों किया, तुमने क्यों भगवान भोलेनाथ के चित्र को बार बार सदन में दिखाकर एक ऐसे स्थान पर रखा जिस स्थान पर रखना उचित नहीं था, जिस स्थान पर किसी भी देवी देवता का चित्र इस तरह से नहीं रखा जाता। ये तमाम सवाल कांवड़िए करेंगे और राहुल गांधी को ये जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम की गूंज होती है, कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िए पूरी तरह से जनसैलाब के रूप में उमड़ते हैं, तो वो किसी भी तरह से अपने भोले का, अपने इष्ट देव का, भगवान भोलेनाथ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सदन में जिस तरह से राहुल गांधी ने भगवान भोलेनाथ के चित्र को लहराया है, दिखाया है,
लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में देश के कांवड़िए देख रहे होंगे। राहुल गांधी से जवाब मांगेंगे, राहुल गांधी से ये पूछेंगे कि इस तरह से उनके आराध्य देव का चित्र क्यों लहराया गया। लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनके मन में उनकी जो मनसा है, बार बार यही मनसा है कि किसी भी तरह से सनातन का अपमान करें, किसी भी तरह से वो भगवान भोलेनाथ का अपमान करें, किसी भी तरह से वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत होती, राहुल गांधी में अगर ताकत होती, तो वो किसी भी पंथ और मजहब के चित्र को लेकर पहुंचते तो राहुल गांधी की औकात पता चल जाती। उन्हें पता है कि हिंदू सहिष्णु है, उनके खिलाफ कुछ करने वाला नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी चित्र को लेकर पहुंचे थे।